हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल टेक गेनर में। आज मैं रेल के फिटिंग्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि रेल और स्लीपर में क्या क्या फिटिंग्स लगते हैं, उनके क्या क्या काम हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, और वीडियो पसंद पड़ेगा तो लाइक शेयर और कमेंट और साथ में साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज पाने के लिए, देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पहला ERC MK3 पेंडोल क्रिप, इसके बारे में। दूसरा रबर पैड अर्थात चेयर पैड। तीसरा लाइनर जिसमें मेटल एंड GFN। चौथा बोर्ड्स एंड नट। और पांचवा है फिश प्लेट के बारे में। तो चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। फिटिंग्स क्या होते हैं? यह रेल को स्लीपर से बांध कर या जोड़ करके रखते हैं, इन्हें ही फिटिंग्स कहा जाता है। तो एक एक करके इनके बारे में पूरी डिटेल्स जानते हैं। पहला है ERC MK3, जिसे पेंड्रोल क्लिप भी कहा जाता है, और इसका फिगर आपके सामने है स्क्रीन पर। यह रेल लाइन को स्लीपर से बांध कर रखता है, इसका मुख्य काम यही है। इसके बाद दूसरा मेरा टॉपिक है रबर पैड। रेल और स्लीपर के बीच में लगाए जाते हैं, और यह स्लीपर को रेल से बचाता है, उसके प्रेशर को कम करता है। इसके बाद है लाइनर। लाइनर दो प्रकार के होते हैं। पहला है मेटल लाइनर, जो मिड सेक्शन में लगाए जाते हैं, और दूसरा है GFN लाइनर, जो स्टेशन लिमिट ट्रैक सर्किट एरिया में लगाए जाते हैं। इसका काम है गेज को ठीक रखना, अर्थात यह गेज को ठीक रखते हैं। इसके बाद है नट्स एंड बोल्ट्स। नट एंड बोल्ट का काम क्या है? यह रेल के दो ज्वाइंट के बीच में जो फिश प्लेटेड होता है, उसको जो कसने का काम आता है, फिश प्लेट को टाइट रखता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है फिश प्लेट या जुगल फिश प्लेट के बारे में। ये क्या होते हैं? जब दो रेल लाइनों को आपस में जोड़ा जाता है, तो वहाँ पे सपोर्टिंग के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है, जिसको फिश प्लेट बोला जाता है या जुगल फिश प्लेट भी बोला जाता है। 60 kg रेल सेक्शन में 60 kg का प्लेट और 52 kg में 52 kg का प्लेट लगाया जाता है। अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं लाइव कवरेज। देखिए यहाँ लाइन में हम डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं ERC क्या होते हैं और कैसे लगे होते हैं रेल लाइन में, जो स्लीपर और रेल को बांध करके रखते हैं। आप फिगर में इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद है इनके बीच में, इसको लाइनर बोला जाता है, दोनों तरफ रेल लाइन और ERC के बीच लगाए जाते हैं। इनका काम है गेज को ठीक रखना, और सबसे नीचे रबर पैड जो स्लीपर और रेल के मध्य में होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे लास्ट वीडियो का क्विज था, जिसका आंसर आज मैं बता दे रहा हूँ। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट यूज इन वन स्लीपर फिटिंग्स ERC लाइनर एंड रबर पैड, कितना यूज किया जाता है एक स्लीपर में? उसका सही उत्तर था 10 यूज किए जाते हैं, 4 लाइनर, 4 ERC और 2 रबर पैड। आज का क्विज है GR पैड का फुल फॉर्म। GR पैड मींस क्या? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जो राइट आंसर होगा उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपका लाइक कमेंट और शेयर का इंतज़ार रहता है। धन्यवाद। थैंक यू।